व्यू पाने के लिए और कितना भटकिएगा। किसी का एक्सपीरियंस 2016 का है वो देखिएगा कि अपने यूट्यूब का एनालिटिक्स देख के समझिएगा कि वीडियो वायरल कैसे होगा, या वायरल नहीं होता होगा तो कम से कम 2-4-5 हज़ार व्यू कैसे आएगा, वही इस वीडियो में सिखाने वाले हैं। ध्यान से और समय निकाल के इस वीडियो को देखिएगा। प्रॉब्लम कहाँ है पता है? प्रॉब्लम ये है ना कि आप अपनी वीडियो को वायरल करने के ऊपर लगे हुए हैं, जिसके वजह से आपको निराशा हासिल हो रही है और कुछ कर नहीं पा रहे। इस चक्कर में आपको सबसे पहला स्टेप करना चाहिए कि सबसे पहले जो 100, 250, 40 व्यू जो आ रहा है ना, उसको 4000, 5000 में बदलने सीखिए। और ये YouTube स्टूडियो आपको खुद कह रहा है, और इसका एक जीता जगता एग्जांपल आपको दिखाते रहे, एक वीडियो दिखा रहे हैं, पॉडकास्ट है, किसका किसका है, दीपक दैया का और टेक्निकल महात्मा जी टेक्निकल का। इसमें इन्होंने सवाल पूछा, क्या पूछा वो जरा देख लीजिए। वायरल वीडियो के लिए थंबनेल या टाइटल क्या ज़्यादा जरूरी है? थंबनेल, वैसे तो दोनों मानता हूँ, बट थंबनेल ज़्यादा जरूरी। यूट्यूब एनालिटिक्स या पर्सनल एक्सपीरियंस? एनालिटिक्स। अब आपने यहाँ सुना, साफ साफ बोला गया है कि अनुभव या फिर एनालिटिक्स। तो आप क्या कर रहे हैं, बड़े यूट्यूबर के पास जो अनुभव है ना, वो पुराना वाला है, 2016-17 में कैसे ग्रो कर सकते थे वो वाला अनुभव है, उस समय उन्होंने ग्रो किया है। लेकिन एनालिटिक्स, आज के समय में आपकी वीडियो कैसी परफॉर्म कर रही है ना, वो आपके एनालिटिक्स के अलावा कोई नहीं बता सकता है। आपका खुद के चैनल का एनालिटिक्स के अलावा कोई नहीं बता सकता है। एनालिटिक्स, एनालिटिक्स। पर्सनल एक्सपीरियंस, पर्सनल एक्सपीरियंस आप खुद से जज नहीं कर सकते कि क्या चलने वाला है। फॉर एग्जांपल, अगर आपने शॉर्ट्स की बात करी, मेरा जब मैं एनालिटिक्स को देखता हूं तो मुझे लगता है क्वार्टरली बेस पे यूट्यूब के शॉर्ट्स के एल्गोरिथम बदलते हैं। हर क्वार्टरली, एक साल में 4 क्वार्टर्स होते हैं। उसका एकदम जीता जागता एग्जाम्पल देख लीजिए, यहाँ पे चैनल डिलीट होकर वापस आया, देखिए 1,30,000 व्यू अभी वापस आने के बाद, और यहाँ 3100 घंटे वॉच टाइम, 477 सब्सक्राइबर प्लस में, जो कि माइनस में दिखाए थे कुछ दिन पहले, माइनस में 1200 सब्सक्राइबर। और जब से 27 तारीख के बाद मोनेटाइज किया है, $31 का अर्निंग 7 दिन के अंदर, ठीक है। तो ये आपके सामने प्रत्यक्ष है। अब इसको झुठला के आपको इस वीडियो को छोड़ के जाना है या इस वीडियो पे टिके रहना है, ये आपके हाथ में है। वो तो वैसे भी तो कोई दुनिया का ताकत आपको बैक करने से रोक नहीं सकता, क्योंकि बैठ के हम थोड़ी देख रहे हैं कि आप मेरा वीडियो देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं। लेकिन बात आती है कि कैसे आप ग्रो कर सकते हैं, उसके लिए एकदम परफेक्ट एग्जाम्पल नहीं दिए ना, और एग्जाम्पल नहीं, अपना अनुभव नहीं बता रहे, एनालिटिक्स हमारा कह रहा है। अब आइए एक और चीज़ पर नज़र डाल लीजिए। चैनल वापस आए हुए कुछ ही दिन हो रहा है, 1 महीने लगभग 5-10 दिन हो रहा होगा, 48 घंटे में 17,000 व्यू आ रहे हैं। सी मोर पे क्लिक करके देखिएगा तो 533 व्यू आ रहे हैं, मतलब 2 घंटे के अंदर $1 का अर्निंग, लगभग $1 नहीं, आधे घंटे का, आधे से ज़्यादा डॉलर का अर्निंग मेरा हो रहा है, ठीक है, 500 व्यू के अकॉर्डिंग। अब बात कर लेते हैं कि मैं दिखाना क्या चाह रहा हूँ आपको। देखिए नॉर्मल वीडियो पे व्यू है, यहाँ देखिए एक वीडियो पे चला गया 6,100 व्यू, एक पे 1500, फिर 1500, फिर 6,000 व्यू, ठीक। इसके अलावा और नीचे जाइएगा तो यहाँ पे 24,000 व्यू। अब आपके दिमाग में चलता होगा कि हम पहले ही वीडियो डालें, दूसरा वीडियो, तीसरा वीडियो डालें, वायरल हो जाएगा, नहीं, देखिए कब से वीडियो डाल रहे हैं। चैनल वापस आया मेरा, देखिए चैनल वापस आया है मेरा जुलाई को, ठीक है। इससे पहले देखिएगा आप यहाँ पे 11 फरवरी, 12 फरवरी और 13 फरवरी, 13 फरवरी के बाद 14 फरवरी को चैनल डिलीट हो गया 24 को, उसके बाद सीधे जुलाई 21 को वीडियो डाले, 1,000 व्यू आया। देख लीजिए वीडियो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 वीडियो, 25 वीडियो में से 2 वीडियो वायरल होने लगी। अब शुरुआत में सोच लीजिएगा मेरी वीडियो कैसे वायरल हो जाएगी, एक ही 2 वीडियो में कैसे वायरल हो जाएगी, तो नहीं होगा। यहाँ पे आपको ध्यान देना होगा कि देखिए अभी इस वीडियो का एग्जाम्पल दिखाते हैं, और इसके अलावा ये जो 24,000 गया है इस वीडियो का भी एग्जाम्पल दिखाएंगे। इस पर भी पहले क्लिक कर दे रहे हैं, और यहाँ पे इसके एनालिटिक्स पे क्लिक कर दे रहे हैं। क्लिक करने के बाद देखिए अभी भी वीडियो को अपलोड किए हुए यहाँ पे 14 दिन कंप्लीट होने वाला है, और अभी भी 1382 व्यू आ रहा है, बीच बीच में बढ़ जाता है, टोटल 24,000 व्यू आया है, 989 घंटे का वॉच टाइम आ गया, 1,000 घंटे का वॉच टाइम एक ही वीडियो से कंप्लीट हो गया, 499 सब्सक्राइबर इस वीडियो से आए हैं, $7 का अर्निंग इस वीडियो से बन गया, ठीक है, ये पहला। और इसके अलावा मैं इसको ऐसा करते हैं कि हम 2 जगहों पे ओपन कर लेते हैं। सबसे पहले इस वीडियो को मैं यहाँ पे न्यू टैब में ओपन कर लेता हूँ, न्यू टैब में ओपन हो गया। इसके अलावा ये सेकेंड वीडियो जो मुझे करना है इसको हम न्यू टैब में ओपन कर ले, चलिए यहीं पे ओपन हो गया। अब यहाँ पे बात कर रहे थे एनालिटिक्स पे, एनालिटिक्स पे आएंगे तो आप यहाँ पे देखिएगा नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल कीजिएगा, यूट्यूब तो आपका साफ साफ कह रहा है। अब जा करके समझ में आया है
एकदम मतलब किसी का भी व्यू एकदम कम होगा ना, 0, 5, 10 व्यू आ रहा होगा ना, उसका 5,000, 4,000 नहीं आने लगा तो बोलिएगा। जो हम पहले समझा दे रहे हैं उसके बाद करना क्या है वो वीडियो में बताएंगे आगे। एक वीडियो का ये वाला ओपन कर लिए और दूसरे वीडियो का भी सेम यही चीज़ ओपन कर ले रहे हैं। ये मैं ओपन होने के बाद ये इस पर भी देखिए 6,800 व्यू, और कल से ये वीडियो अचानक उठना शुरू हुआ है। कल तक 2,500 व्यू था, आज यहाँ 6,800 व्यू है, ठीक है। इसका भी ओपन कर लिए। अब दोनों वीडियो का यही चीज़ सामने, दो वीडियो जो मेरी वायरल हुई है, डेड चैनल जब वापस आया मेरा, एक डिलीट चैनल जब वापस आया, और उस पर दोनों पे सेम एनालिटिक्स निकाल के दिखा रहा हूँ मैं। डिलीट होने के बाद वापस आने का दो वीडियो जो वायरल हुई है उसको दिखा रहा हूँ। तो सबसे पहले इसको तो यहाँ पर बता रहा है कि आपका जो ज़्यादा व्यूअर है, लेकिन मेन पॉइंट ये नीचे लिखा हुआ है साफ साफ। इस पर क्या लिख रहा है, रेगुलर व्यूअर ऑफ योर चैनल चूज टू वॉच दिस वीडियो 17.8%, मतलब 100 में से 18 लोग क्लिक कर रहे थे, 17 लोग क्लिक कर रहे थे वीडियो को देखने के लिए, जिसके वजह से पहले कितना था 11.1 से लेकर के 12.1 तक, इसलिए इस वीडियो पे ज़्यादा व्यू यहाँ पे रिकमेंडेशन से मिला। जबकि एक और पॉइंट है वो भी देख लेना होगा। और इस वीडियो पे देखिए, पहली वीडियो वायरल हुई जिस पे 12.7% का एवरेज वीडियो CTR था, क्लिक रेट थंबनेल के ऊपर क्लिक रेट, और पहले 8.9 से लेकर के 9.9 तक। तो ये दो चीज़ ध्यान रख लीजिए कि यहाँ पे गेम पूरा ओवरऑल गेम दिख रहा है क्या चीज़ का, थंबनेल का। इसके अलावा दूसरा पॉइंट भी ध्यान देना होता है, जो कि पहला तो आपको थंबनेल दिख गया कि अभी भी मेंटेन है, 8% पे मेंटेन है, अभी 7 पे आया है, इसीलिए कम व्यू आ रहा है। ये डाउन नहीं होता तो और व्यू आते। एंगेजमेंट पे आ जाइए तो देखिए 2 मिनट 23 सेकंड ग्रीन टिक है, ये भी प्लस पॉइंट है। इसके अलावा यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे 17.8% का सबसे ज़्यादा इस पर CTR है, जिस पर रीच पर क्लिक करेंगे तो अभी भी देखिएगा इसका CTR घटने के बजाय, उस वीडियो में वह CTR घट रहा था, इसमें CTR घटने के बजाय और बढ़ता चला जा रहा है। सुबह तक 19.8 था, अभी तक देखिए यहाँ पे 21.3 हो चुका है, और एंगेजमेंट देखिए अभी भी ग्रीन टिक है, मतलब कि जितना यूट्यूब को चाहिए उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे मेंटेन अभी चल रहा है, ठीक है। और एंगेजमेंट देख लीजिए, ये भी देख लीजिए, लेकिन यह CTR हाई हो रहा है। एवरेज व्यू टोटल ओवरव्यू देख लीजिएगा तो 48 घंटे में इस वीडियो पे 3 दिन के बाद 4748 व्यू आने लगे हैं, और 60 मिनट के अंदर इस पे व्यू देखिएगा तो व्यू आ रहा है 300 व्यू अभी आ रहा है इस वीडियो पे 60 मिनट के अंदर। वीडियो वायरल नहीं है तो क्या है। तो अब बात कर लेती है पूरा दिखाने के बाद कि यहाँ पे मेन क्या चीज़ है। वीडियो कंटेंट तो आप, मैं जान रहा हूँ कि आप अपने दमखम से जो है अच्छा बना रहे होंगे, लेकिन यहाँ पे आप मिस्टेक कर रहे हैं। आप थंबनेल को क्लिकबेट बनाना सीखिए, क्योंकि दोनों थंबनेलों में देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ न्यू अपडेट, 4000 घंटे की ज़रूरत नहीं, चैनल मोनेटाइज पहला, और दूसरा एक जो इन्होंने वीडियो बनाया था, इन्होंने कोई छोटे यूट्यूबर ने डाला था, टेंगो कहाँ का वीडियो है वही एप्लीकेशन का, यूट्यूब की काली सच्चाई छोटे यूट्यूबर को बर्बाद होने से बचा लो। मैंने जब ये लिखा और ये थंबनेल लगाया, इस पर कंटिन्यू क्लिक आने लगे और क्लिक आ रहा है, जिसके वजह से CTR कंटिन्यू हाई होता चला जा रहा है। अब हाई हो रहा है तो ऑब्वियसली YouTube इसको प्रमोट करेगा और भी, कि लोग ज़्यादा इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। तो आपको थंबनेल, बाकी वीडियो का थंबनेल देखेंगे जाके इस चैनल पे, टेक्निकल कौशल पे, ये मेरा सेकेंड चैनल है, इसमें जाके देखेंगे तो आपको लगेगा कि बाकी चैनल का थंबनेल जो है उतना क्लिकेबल नहीं है जितना ये दोनों है। तो साफ साफ बात है कि आप थंबनेल पे पूरा फोकस कीजिए कि कितना बढ़ा चढ़ा के। अंशु मौर्या का थंबनेल देखा है ना आपने, जाके देखिए और वैसे ही सीखिए। इसके अलावा और कुछ करना ही नहीं है वीडियो में। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार एंड टेक केयर।